को करते हुए करेंगे आज. ठीक है? चलिए गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग वेलकम टू एन अकेडमी नीट स्टार्टिंग टॉपिक जल्दी बुलाओ सबको मेधावी बैच फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री डिटेल में इलेवेंथ क्लास कंप्लीट कराया जा रहा है ऑन यूट इन डिटेल्स एट इलेवन थर्टी फॉर बॉटनी इलेवन थर्टी फॉर बॉटनी और बाकी सारे टीचर्स का भी स्केड्यूल आप देख सकते हो यहाँ पे आठ बजे महेंद्र सर है अनूप सा दस बजे मेरा सेशन है थर्ड फिफ्थ फोर्थ है आकांक्षा मैम का सेशन एंड फिफ्थ दैट इज लास्ट दिस जुअलॉजी मैम सीप मैम का सेशन होगा ठीक है जो बच्चे नहीं जानते ये क्या हो रहा है यहाँ क्या हो रहा है ये सब कुछ क्या चल रहा है दिस इज नीट प्रिपरेशन के लिए यूर वन स्टॉप सोल्यूशन यू हैव टू जस्ट टेक केयर अजीब से नहीं दिख रहे कुछ अब लाल लाल हो गया सब कुछ ऐसा क्यों ओ एक मिनट रुक जाओ बच्चा लोग एक मिनट रुक जाओ बस नहीं तो बीच में उड़ जाओगे यस yes. हमें बीच में सब उड़ जाता हाँ हाँ हा, बच गए चलो स्टार्टेड आई आई एम यादव विल बी टेकिंग योर बॉटनी सेशंस ऑन प्लस हमारे बॉटनी सेशंस होते हैं पांच बजे ठीक है आज के बारे में एक बता दो एक चीज प्लस पे सेशन जो है मेरा वो पेड है लेकिन आज की फ्री क्लास कुछ बच्चे मेरे साथ प्लस पे मोर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं ऑन देयर रिक्वेस्ट ठीक है प्लस वाले बच्चों ने बोला मैम थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ा दो हमको थोड़ा जिंदगी में ज्यादा जानने का मन है तो फ्री क्लास मैंने एक लगाई है टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरसेंस ठीक है टाइप्स ऑफ इनफ्लोरसेंस आज मैं डिटेल में कराऊंगी

स्पेशल क्लास नहीं लगाऊंगी आई डोंट थिंक इट इज़ वेरी फीजिबल एट योर एंड क्योंकि आप सिलेबस ही कम्प्लीट कर लो बहुत बड़ी बात है साथ के साथ रेगुलरली क्वेश्चन को हम एक दिन कर लेते हैं ताकि हमारा चैप्टर कम्प्लीट हो एंड उस चैप्टर के कम्प्लीट होते ही फिर मैं आपको लमसम एक बारी में सौ डेढ़ सौ क्वेश्चन करा दूँ है ना वो ज्यादा सेंस बनता है क्योंकि चैप्टर के बीच में तीन क्वेश्चन पूछने का कोई पॉइंट नहीं है चैप्टर पूरा कंप्लीट करके थियोरी ढंग से करके एग्जांपल्स अच्छे से याद करके फिर हंड्रेड क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर लेंगे तो इसलिए मैंने सिक्स को थ अक्टूबर को आपकी पांच बजे स्पेशल क्लास लगाइए ठीक है जिसमें कि हम क्वेश्चन करेंगे प्लांट किंगडम के हंड्रेड क्वेश्चन राइट वी विल बी सॉल्विंग प्लांट प्लांट किंगडम के हंड्रेड क्वेश्चन एप्सोल्यूटली फ्री ऑन स्पेशल क्लास दोनों के लिंक्स आज, आज आपको कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएंगे तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू इट और यहां पर भी आपको अपडेट हो जाएंगे तो इस टेलीग्राम लिंक को भी आप फॉलो कर सकते हो ठीक है क्योंकि रोज के रोज क्वेश्चन सॉल्व करना मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं फिजिक्स केमिस्ट्री में डेफिनेटली आपको जरूरत है ठीक यू नीड टू सॉल्व सम क्वेश्चन एवरी डे बट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो बायो में थोड़ा आप टाइम उसको निकाल के फिजिक्स को दे सकते हो स्पेशली अगर आपने ड्रॉप किया है तो बेटा पहली प्रायोरिटी थोड़ा फिजिक्स केमिस्ट्री को रखना क्योंकि बायो में जानती हूं तुम कर लोगे और हम तुमको करा देंगे ठीक है चलो बढ़िया इफ यू लाइक माई क्लासेज एंड इफ यू लाइक माई में आपका यूज कर सकते हो और आ सकते हो सब्सक्रिप्शन के लिए था ब्रायो की कहानी थोड़ी सी शुरू कर रही हूँ मैं ताकि आपको एक बार रिफ्रेश हो जाए उसके बाद लव स्टोरी पे आएंगे मार्केशिया की ठीक सो ब्रायो फॉर्म्स थिक मैट्स थिक मैट्स बना देते हैं ये रॉक्स पे और ऐसे पूरा बिच जाता है ठीक है मैट जैसा दिखता है और दूसरा इट इज ऑफ ह्यूज इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ठीक है बहुत इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है इसका क्योंकि स्टार्टिंग में सबसे पहले आने वाले प्लांट्स में से है ये लैंड पे हमारे पास लाइकेंस है द वन हु आर नोन एज पाइनियर्स ऑफ लैंड मतलब सबसे पहले अगर लैंड पे अगर कोई सॉइल बनाना शुरू करेगा तो रॉक को तोड़ तोड़ के तो वो लाइक होते हैं ज्यादातर उनकी मदद करने मॉसेस भी आ जाते हैं तो मॉसेस आर ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट ठीक है पैसा वाइज नहीं बट इको इकोलॉजिकली इकोनॉमिकली नहीं इकोनॉमिकली मीन्स पैसे वाला अगला हमने कुछ जनरल पॉइंट्स पढ़े थे इसके बारे में ठीक है दीज आर द जनरल पॉइंट्स फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट्स ए ट्रैक्योफाइड ए फर्माटोफाइट्स एंड क्रिप्टोग्राम्स एम्ब्रियो रखने वाला पहला प्लांट पहला लाइफ साइकिल प्लांट का

ठीक है मेन बॉडी इज गेमीट फिर हमने ये स्ट्रक्चर्स भी देखे थे मार्केश में ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जेमा स्पोर्ट से होगा आर्कीगोनिया का स्ट्रक्चर देखा था इन्वर्टेड फ्लास्ट शेप स्ट्रक्चर जिसमें वेंटर कैनाल सेल नेक कैनाल सेल और एग होता है द होल स्ट्रक्चर इज नोन एज आर्किगोनिया द फीमेल सेक्स ऑर्गन जिसमें की फीमेल एग है मेल गेमी फीमेल गेमीट नोन एज एग मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंथ्रीडियम एंथ्रीडियम के अंदर छोटे 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 माइटोस मतलब my, होकर आपके पास गेमीट बनेगा गेमीडर मेल गेमीट कॉइल्ड स्पाइरल ठीक है दो फ्लाजिला तो बायोफ्लाजिलेटेड मोटाइल और केमिकल की तरफ चलने वाला तो कीमो टैक्टिक यहां तक लास्ट क्लास में पढ़ लिया था कमिंग टू द लाइफ साइकिल ऑफ मार्केशिया चले हो जाए स्टार्ट कोशिश करना जो मैं अभी लिख रही हूं उसको लैंडस्केप में ले लो देखो आपकी जो मेन नोटबुक होती है वो ऐसे होती है आप ऐसे लिख रहे थे ना नोट्स राइटिंग लाइक दिस इसको कर लो ऐसे बचपन में वो दो न, दो पहाड़ एक नदी बनाते थे ना ड्रॉ करते थे एक लैंडस्केप बनाते थे ऐसे नहीं बनाते हो आप कभी भी, भी लैंडस्केप उसके लिए आप अपना ड्राइंग नोटबुक को ऐसे लेते थे ना फिर आप दो पहाड़ बनाते थे एक सूरज एक नदी तो दिस इज कॉल्ड लैंडस्केप ठीक है अगली बार से जब मैं बोलू लैंडस्केप में ले लो पेज तो ये है लैंडस्केप ओरिएंटेशन और, और जब मैं बोलू पोर्ट्रेट किसी का पोर्ट्रेट बनाना आप एकदम ऐसे सीधा बनाते हो अमिताभ बच्चन का पोस्टर पोर्ट्रेट ठीक है चलो यस मूविंग अहेड क्विकली जल्दी बुला लो अगर कोई नहीं आया तो फिर मत बोलना एक तो लॉस्ट इतनी है ना जनता कसम से मैम आप इलेवेंथ को पढ़ाओगे मैम आप ट्वेल्थ कब पढ़ाओगे मैम ने सब पढ़ाया हुआ है यूट्यूब पे एक बार टाइप भी करोगे ना तो दस लेक्चर निकल के आएंगे लेकिन नहीं मैम लेट है ओ भाई सम अदर पहला यूनिवर्सिटी वर्किंग इन मैम लेट है ये मेरा भूत है यहाँ कॉमन सेंस री कॉम प्ले गेट्स ओके चलो ये हमारा प्यारा मार्किनशिया का अंकल है और ये हमारे प्यारे मार्किनशिया की आंटी है ठीक है कैसे पता चलेगा अंकल इज ऐसा आंटी इज ऐसा राइट नीचे बेस पे यू नो दर आर अंथ्रोजोइडी यहाँ पे देख लेते हैं ठीक है चलो यहाँ पे ना ऐसे अंदर एक लाइन जाती है मिड्रिप सा होता है आपने पत्ता तो देखा ही है यू सीन लीफ लीफ में आपने देखा होगा बीच में मिड ड्रिप होती है तो जिधर मिड्रिप होती है बीच में गड्ढा होता है उधर नीचे से थोड़ा सा बाहर की तरफ तो प्रोट्रूड कर रहा होता है है ना तो ऐसा ऐसे आपके पास कुछ एक डिप्रेशन एक लाइन सी दिखती है उसके नीचे की तरफ उसके नीचे की तरफ उल्टा कर दो इसको ये ऊपर का स्ट्रक्चर दिख रहा है उल्टा अगर मैंने कर दिया इसको तो इट अ अपिय लाइक दिस ये नीचे वाला साइड दिखा रही हूं बेटा ठीक है आपको राइजोइड्स यहां दिखते हैं राइजॉइड्स एंड यू नो राइजॉइड्स आर यू सेल्यूलर एंड अनब्रांच और काम किसके आते हैं काम किसके आते हैं फॉर अटैचमेंट

बाहर मैग्नीफाई होगा ये बाहर मैग्नीफाई होगा ये बनाए थे पिछली बार आराम से कर लेना ड्रॉ कोई जल्दी नहीं है किंतु परंतु अरे क्या बाप पोपट हो गया लो इस बार में ठीक है ऑब्वियसली मेरे को बनाने में कम टाइम लगेगा तुमको थोड़ा ड्रॉ करने में ज्यादा टाइम लगेगा अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि जिंदगी में वाम हम ये इतना आज तो नहीं ड्रॉ कर पाएंगे फिर भी तुम ड्रॉ करोगे तुम कर सकते हो तुम ये ड्रॉ करोगे समझे क्यों मैम ये तो कुछ भी एनसीआरटी में नहीं है हमको ज्यादा बकवास बकवास पढ़ा देती है सारा एनसीआरटी में है जब समझ लोगे तो ये एक एक लाइन एनसीआरटी में दिखेगी अब एनसीआरटी ने लाइन बाय लाइन दे दिया अलग अलग टर्म मैं आपको एक लाइफ साइकिल में दे रही हूँ जहां रटना नहीं पड़ेगा सामने एक दिमाग में पिक्चर बन जाएगी वो छपी दिमाग में अपने आप सही सही आंसर आएंगे सारे ठीक है तीन दिन हुए क्लास शुरू हुए सिलेबस कब खत्म होगा पूछ रहे हैं कल What do you say? Should I finish it tomorrow? चलो बना दिया इसको वेटिंग फॉर यू हा वेटिंग फॉर यू गाइज यहां पर आप जानते हो रॉकेट जैसा स्ट्रक्चर था डू रिमेंबर दैट राकेट वाला स्ट्रक्चर अंदर उस राकेट से स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हो आंथरीडियम ठीक है और इनमें इन्वर्टेड फ्लाश शेप स्ट्रक्चर था यू हैड इनवर्टेड फ्लाश शेप स्ट्रक्चर ह्योर नोन एज आर की गोनियम इज फीमेल सेक्स ऑर्गन एंड थ्रीडियम इज मेल सेक्स ऑर्गन दोनों अलग बॉडी पे बैठे हैं सो दिस बॉडी विच यू सी हियर ये जो आपको दिख रहे हैं दिस इज गेमीटोफाइट है ना कैसे पता चला मुझे ये गेमिटोफाइट है बिकॉज इट इज थैलोइड थैलोइड का मतलब याद आ गया ना याद हो चुका अब क्या थैलोइड होता है थैलोइड मींस वेल नॉट वेल डिफ्रेंशिएटेड टू रूट स्टेम लीफ ठीक है पत्ते जैसा बस गिरा हुआ पे. है पे गेमिटोफाइड है है और यही डोमिनेंट फेज रहेगा ये डोमिनेंट फेज है ज्यादातर यही दिखता है इसकी जिंदगी में हमें ठीक हमारे पास आ गया एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम ठीक है एंथ्रीडियम के अंदर आपके पास आएंगे मेल गेमीट्स नोन एज मेल गेमीट्स बढ़िया नेक्स्ट आर्किगोनियम में आपको मिलेगा एग एग इज नथिंग बट फीमेल गेमीट्स बढ़िया मेल के फीमेल के तो यहां तक जो भी स्ट्रक्चर आपको दिखेगा ईच एंड एवरीथिंग दैट यू सी टिल इज ऑल इज ऑल हैप्लॉइड समझे बात मेरी सारा का सारा क्या है बेटा प्लीज इतना मेरे साथ मेरे ऊपर एहसान कर दो कि पिछले दो क्लासेस देख के आया करो क्लास में एंड इफ यू डोंट वांट मी टू लुक एट द चार्ट सेक्शन फिर चलेगा मुझे गुस्सा इसलिए आता है ना फिर तुम लोग मैं पढ़ाने आती हूँ द प्रॉब्लम इज दैट मेरी गलती ये है कि मैं पढ़ाने आती हूं है ना आप कभी ऑफलाइन क्लास में जाते थे चार क्लास के बाद किसी टीचर से पूछते थे कि मैम पहले चैप्टर का पहला पॉइंट बता दो तो गुस्सा आता था ना टीचर को भी तो प्रॉब्लम मेरी ये है जो मुझसे तुम डांट खा जाते हो बात बात पे कि मैं पढ़ाने आती हूँ और तुम पढ़ने नहीं आ रहे हो अब ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन अगर आप मुझसे मिड ऑफ द चैप्टर में पूछोगे जो कि मैंने पहली क्लास के पहले पंद्रह बीस मिनट में पढ़ाया था whose end. Whose end? तो देन दैट इज रॉन्ग एट हुज एंड हुज एंड तो फिर ये प्रॉब्लम हो जाएगी ना बच्चा मेरे लिए आई कैन नॉट रश बैक टू द सेम टॉपिक अगेन एंड अगेन या पेशेंस रखो थोड़ा सा तो समझ में आएगा लिख लिया अब देखो यहां तक जितने भी स्ट्रक्चर दिख रहे हैं हैप्लॉइड ठीक मेल गेमिट और फीमेल गेमिट आपस में कर जाते हैं फ्यूज एंड दैट प्रोसेस इज नोन गेमी हो गया ना ये ऑल्टरनेशन जनरेशन में हमने चार पॉइंट पढ़े थे दो स्ट्रक्चर और दो इवेंट एक स्पोरोफाइट और इवेंट थे हमारे सिन गेमी मियोसिस ठीक है तो जो हमारे पास सिन गेमी था वो फर्टिलाइजेशन हो गई फर्टिलाइजेशन से आपके पास क्या बनता है बेटाट ठीक है जाइगोट इज डिप्लॉइड

मेरी बात ध्यान से सुनना जायगोट वहां बनता है जहां पे एग होता है तो ये बना कैसे एंथ्रोजॉइड को पानी में चलने की आदत है दे आर कॉइल्ड एंड बाय फ्लैजिलेटेड ठीक है ये पानी ये पानी में तैरते हैं केमिकल की तरफ जाते हैं तो यहां पे कोई चीज हुई है इसको ना लिख नहीं पाओगे कीमो टैक्टिक लिख लेना कीमो टैक्टिक लिख लेना और अभी दो सेकंड के लिए पेंसिल पेपर छोड़ दो दूर हो जाओ सब जगह से ठीक है जरा जरा से पेड़ है ड्रॉप ऑफ वॉटर समझो कितना कम पानी चाहिए अ सिंपल ड्रॉप ऑफ वॉटर फॉल्स ऑन दिसक ठीक वो ठपाक से जो पानी की एक बूंद गिरी है ना उसमें एकदम से यहाँ पे बहुत सारा पानी का थोड़ा सा इकट्ठा होगा एंड इट माइट जस्ट फॉल डाउन ऑन दिस जस्ट अ सिंपल ड्रॉप ऑफ वाटर क्यों क्योंकि कंडीशन क्या चाहिए थी इसको डैम्प शेडी ह्यूमिड गीला मौसम था ना थोड़ा तो इसको ऐसे ह्यूमिड कंडीशन चाहिए ह्यूमिड कंडीशन में आपने देखा वो भरे जंगल में थोड़ी सी मॉइस्चर रहता है पत्तों पर भी थोड़ा बहुत गीलापन रहता है तो दैट सिंपल वन ड्रॉप ऑफ वॉटर छप एंथ्रोजॉइड या एंथ्रीडियम के ऊपर गिरा ठपाक इस एंथरीडियम पे गिरते ही इस पानी के ड्रॉपलेट्स के अंदर आपके मेल के मीच आ जाएंगे यार क्यों क्यू आ जाएंगे ठीक है किधर से निकल के ये स्विम कर जाएंगे थ्रू वाटर हल्का सा पानी का लेयर ही तो बना था बेटा इस पर देखो ना इस पर हल्का सा पानी का लेयर बना है और ये पूरा स्विम कर जाएगा एंड विल मूव टू मूव टू एग जो यहां था समझ रहे हो एक छोटा सा इतना सा पेड़ है इतना सा पेड़ है लिटरली देखो इतना सा पेड़ है ठीक है वन ड्रॉप ऑफ वाटर छप एंड उसमें एकदम उस बूंद के साथ ही इस गड्ढे में से जितने भी एंथ्रोजॉइड हैं वो ठपाक से उसके अंदर गिरे ड्रॉप में उसके साथ उछल के साइड वाले आर्किगोनिया पे गिरे आर्किगोनिया की तरफ ट्रेवल कर जाते हैं क्यों बिकॉज द नेक केनाल सेल एंड द वेंटर केनाल सेल नाउ डिजोल्व नेक कैनाल सेल एंड वेंटर कैनाल सेल कहाँ है इफ यू इट इज एन इन्वर्टेड फ्लाश शेप स्ट्रक्चर यहाँ पे नेक केनाल सेल थे या वेंटर केनाल सेल था यहाँ पे एग था ये सारे के सारे डिजोल्व हो जाएंगे और एक चिप-चिप सा फ्लूड बना देते हैं ठीक है वो चिप-चिप से फ्लूड के तरफ आपका एंथ्रोजॉइड ट्रेवल करता है दिस एंथ्रोजॉइड ट्रेवल्स टूवर्ड्स दिस और धीरे धीरे ये एंटर कर जाएगा इन टू आर्किगोनिया एंड विल गो एंड फर्टिलाइज विद दी एग एग फर्टिलाइज होते ही बन गया क्या जाइगोड तो अगर एग यहां है तो जाइगोड यहां है अब अगर जाइगोड यहां है तो सेल डिवीजन होने लगेगा जाइगोट विल स्टार्ट डिवाइडिंग वाया माइटोसिस जाइगोट डिवाइड करने लगेगा बनाएगा एम्ब्रियो एम्ब्रियो लाइफ साइकिल में पहली बार आया है इससे पहले जो मेरे पास प्लांट था वो एल्गी था और एल्गी की लाइफ साइकिल में कोई एम्ब्रियो नहीं था यहाँ एम्ब्रियो आ गया द फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट्स ब्रायोफाइटा नाउ दे विल स्टार्ट डेवलपिंग इनटू यंग स्पोरोफाइट यंग स्पोरोफाइट अब स्पोरोफाइट को देखो क्या हुआ है इसको ही बना रही हूं इधर लुक एट दिस ये आपके पास डंडी था ना ये yes, ऐसे यार ये दोनों गड़बड़ बन गया बना लो बना लो साथ में अब लिख लो सपोज लाइक दिस देखो ठीक हमारे पास अंदर बना था यहां पे जायगोड ये जायकॉट धीरे धीरे डिवाइड करने लगता है और ऐसा स्ट्रक्चर बनाने लगता है राइट दिस इज यंग स्पोरोट इफ यू लुक एट दिस इट विल डेवलप फर्दर इन टू प्रॉपर स्पोरोट प्रोपर स्पोरोफाइट स्पोरोफाइट के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर दिखता है कुछ ऐसा का स्ट्रक्चर दिखता है कुछ ऐसा ग्रीन वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है दैट इज गेमीटो का स्ट्रक्चर बेटा उसी अंब्रेला के अंदर ऐसे मान लो छतरी आपने खोली है जो छतरी आपने खोली है उसमें से बलून लटक रहे नीचे तो ठीक है वो जो छतरी हमने खोली हुई थी वो तो इसी की थी गेमीटोफाइट की थी तो जो ग्रीन वाला पार्ट आपको दिख रहा है वो क्या है गेमीटोफाइट इसका मतलब क्या आप ये देख सकते हो कि गेमीटोफाइट के ऊपर गेमीटो डिपेंडेंट आया है स्पोरोफाइट उस पर चिपका हुआ है अभी भी अलग नहीं है नाउ लेट्स लेबल द पार्ट ऑफ स्पोरोफाइट ये फुट घुसा हुआ है गेमिटोफाइट के अंदर डंडी सीटा और ये फूला हुआ स्ट्रक्चर कहलाता है कैप्स्यूल कैप्सूल में भरे हुए बहुत सारे सेल्स मल्टीपल सेल्स भरा पड़ा मल्टी सेल्यूलर ठीक है पूरा भरा हुआ है सेल्स 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 ही cells, cells ही सेल्स समेम आर नोन एज स्पोर मदर सेल बेटा यहां सिंगेमी हो गई थी ठीक है तो एम्ब्रियो डिप्लॉइड, स्पोरोफाइट डिप्लॉइड ये डिप्लॉइड 2n, 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 2n. स्पोर बा द सेल अंडर गोज मियोसिस इसमें होगा मियोसिस ये मियोसिस शो करेगा इट शोज मियोसिस टू फॉर्म स्पोर्स स्पोर बनाने के लिए इसने मियोसिस शो किया मियोसिस होते ही मेरे पास बन गए स्पोर्स स्पोर्स आर हेपलॉइड एंड ये स्पोर्स गिरते हैं कहीं पे भी एंड देन लीड्स टू जर्मिनेशन ऑफ गे मीटोफाइट ठीक है सिंपल चीज सिंपल सी चीज है ना क्या ही था इसमें समझे बात यहां तक क्लियर इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ बोथ विल बी कवर्ड पहले इलेवेंथ कवर होगा फिर ट्वेल्थ कवर होगा इज माई पॉइंट क्लियर तो एक बार ही दोबारा से ठीक है लव स्टोरी वंस मोर मेल फीमेल पेड़ मेल पेड़ आसपास साइड बाय साइड लगे हुए थे एक चपाक से बूंद पानी गिरा उस बूंद पानी से यहाँ पे जो भी से वो फट से करके इधर गिरा ज्यादा नहीं चाहिए मुझे कुछ ही चाहिए ना ऐसा तो नहीं है कि पूरा बरात भर के आना है एक दो ही चाहिए तो वो गिरता है इधर थोड़ा सा पानी का एक लेयर बनता है उसके थ्रू वो स्विम कर जाता है स्विम कहां करना है मुझे क्या पता बट एंथ्रोजॉइड को पता है एंथ्रोजॉइड वो स्विम करता है टूवर्ड्स डिजोल्व एनसीसी एंड वीसीसी वीसीसी एनसीसी केमिकल रिलीज करते हैं उसकी तरह स्विम कर जाएगा एंथ्रोजॉइड एंथ्रोजॉइड वेन स्विमिंग टूवर्ड्स दिस इज डिपेंडेंट ऑन वॉटर फॉर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इसीलिए हमने ब्रायोफाइटा को कहा था एम्फिब ऑफ प्लांट किंगडम बिकॉज़ वो रहते लैंड पे हैं लेकिन फर्टिलाइजेशन के लिए क्या चाहिए पानी सो मेल दे ट्रेवल थ्रू थिन फिल्म ऑफ़ वाटर फर्टिलाइज दी एग कौन सा मूवमेंट है कीमो टैक्टिक मूवमेंट है फर्टिलाइजेशन होगा एग और एंथ्रोजॉइड फ्यूज करेगा सिन गेमी फॉर्म आई

फिर से बन जाएगा अब सुनो बात यहाँ पे कैप्सूल ऐसे तो नहीं फट जाएगा ऐसे थोड़े ना स्पोर रिलीज कर रहा है तो अनफेवरेबल कंडीशन क्या होंगी स्पोर्स बनाए जाते हैं अनफेवरेबल कंडीशन को डील करने के लिए ठीक अनफेवरेबल कंडीशन क्या होगी कि एकदम ड्राई कंडीशन है मान लो धूप आ गई कड़कती हुई इसको तो पानी वाला ह्यूमिड थोड़ा कंडीशन चाहिए था डैम डैम सा गीला गीला मौसम चाहिए था कड़कती धूप आ गई ठीक सो दिस होल कैप्स्यूल है इन इनसाइड इधर ऐसे लंबे लंबे से स्ट्रैंड्स होते हैं इनको हम कहते हैं बेटा इलेटर्स e ये मार्केशिया में मिलेगा आपको में मिलता है इलेटर्स e एकदम से ऐसे होते हैं और बाहर वाली वॉल पे प्रेशर लगाते हैं तो ये जैसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किया ये साइड वाला वॉल ठीक है ये बुश ये फटा स्पोर्ट रिलीज हुए हवा से उड़ जाएंगे जिधर भी जाएंगे वहां गिरते ही कंडीशन अच्छी खासी वापस ह्यूमिड मिल जाए वापस जर्मिनेट कर जाएगा सो ई दे हेल्प इन डिस्पोजल ऑफ स्पोर्स अब आप देखो ये जो इमेजिन करो एक बैग है कंचे का है कंचे कंचे भर दो आप कंचे पता नहीं देखे भी हैं कि तुम लोगों ने आजकल आपने क्या किया आपने कंचे भर दिए या जस्ट इमेजिन आपने सीड्स भर दिए बलून के अंदर भारी हो जाता है ना अब आप उसको ऐसे लेके चलोगे अगर इतने भारी बलून को तो आप पता चला ला 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 करते चलो फट गया नीचे से बिकॉज इलास्टिसिटी उसकी टूट सकती है ठीक खत्म हो सकता है बलून आपका फट गया सारे नीचे जाएंगे तो ऐसा ही कुछ यहाँ भी हो जाता है स्पोर्ट भरे हुए हैं तो इसको सपोर्ट करने के लिए साइड से एक टिश्यू आता है होल्ड करने के लिए आप देख सकते हो ग्रीन कलर का एक टिश्यू मैंने ब्रैकेट जैसा बनाया है दोनों तरफ ब्रैकेट जैसा स्ट्रक्चर्स दोनों तरफ ये ब्रैकेट जैसा स्ट्रक्चर बेटा जो दोनों तरफ है इसे हम कहते हैं कैलियप्ट्रा दिस इज कॉल्ड एज कैलियमिटोफिटिकल इसकी होगी एंड कैलियप्ट्रा इज ऑफ गेमिटो गेमिटोफाइट बोला रुक जा मैं पकड़ता हूं थोड़ा ठीक है होल्डिंग इट हेंड गेमिटोफिटिक जनरेशन का है स्पोरो इज़ डिपेंडेंट ऑन गेमिटो आप देख सकते हो अटैच है उस पर ठीक है तो स्पोरोफाइट डिपेंडेंट ऑन गेमिटोफाइट अकेला नहीं रह रहा है इंडिपेंडेंट एक्जिस्टेंस नहीं है इट इज नॉट इंडिपेंडेंट What? चले चले आगे आप देखो बेटा अगला पॉइंट ये तो हुई नॉर्मल स्ट्रक्चर किसकी लिवर वर्ड्स की बात करी हमने लिवर वर्ड्स की बात करी रिक्शा मार्केश थे उसका एग्जाम्पल तो, तो दिस इज व्हाट यू सी इन लिवर वर्ड्स अगर आप इसके अंदर थोड़ा सा ये देखो यहां से ऐसे जा रहे हैं ना हापलोइड डिप्लोइड लगभग सेम फेज निकला सेम ही बात निकली ना दैट मीनस हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल लगभग सेम ड्यूरेशन निकाल रहा है वो दोनों तरफ ठीक देखो वापस जा रही हूं मैं कहां पे ये वाला पार्ट लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक हैप्लो डिप्लॉन्टिक गेमीटोफाइट डॉमेंट एंड इंडिपेंडेंट ठीक है अगला पॉइंट स्पोरोफाइट का क्या होगा स्पोरोफाइट डिपेंडेंट ऑन गेमिटोफाइट लेकिन काफी इलाबोरेट स्ट्रक्चर बन गया आप ये सोचो एलगी से तो बहुत बड़ा आ गया, हम आ ना नथिंग तो सिर्फ हमारे पास जनरेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए था स्ट्रक्चर के मार्केशिया तो बन गया. को देखते हो रिक्शिया ही बॉडी पे दोनों होंगे एंड मार्केशिया इज डाइशियस एक चीज बड़े ध्यान सुन लो और उसको लिख भी लो ब्रायोफाइट्स ऑल आर होमो स्पोरस ये बेटा लिख लो और बड़ा बड़ा लिख लो ये एनसीआरटी में भी मिल जाएगा लाइन बट ये बड़ा बड़ा लिख लो होमो मीनस सेम सेम दिखने वाले स्पोर्स बनाता है ठीक है मार्केशिया के अंदर जो स्पोर्स बने उसमें सारे स्पोर्स सेम दिखेंगे रिक्शा में जो स्पोर बने वो सारे स्पोर्स आपस में सेम दिखेंगे ठीक है सो वी हैव सिमिलर लुकिंग स्पोर्स वी हैव सिमिलर लुकिंग स्पोर्स ठीक है बेटा ओके एम यहां तक डन डन बच्चा ये लिख लिया ना वापस लाइफ साइकिल पे जा रही हूं मैं दिस इज योर लाइफ साइकिल मूविंग ऑन टू फ्यूनेरिया का लाइफ साइकिल कूल शाबाश चलिए चलिए बेटल अब देखो ये है फ्यूनेरिया दिस इज फ्यूनेरिया मेरे पास मार्केशिया ऐसे लेटा हुआ था सबस्ट्रेटम पे ठीक है ये स्ट्रेट है सो फ्यूनेरिया इज इरेक्ट थोइड मतलब विद सबस्ट्रेटम कोई रूट स्टेम लीफ नहीं है स्ट्रेट इसमें रूट लाइक लीफ लाइक स्टेम लाइक फीचर है क्यों क्योंकि मैं क्यों लाइक 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 बोल रही हूं क्यों मैं उसको ट्रू स्टेम लीफ मैम दिख तो रहा है पत्ते जैसे ही ये देखो नीचे पत्ते जैसा दिख रहा है पत्ते जैसा दिख रहा है अलग चीज है अंदर वैस्क्यूलर सिस्टम नहीं है आई डोंट हैव एनी सिस्टम मेरे पास कोई जाइलम फ्लोएम नहीं है तो जब तक वैस्कुलर सिस्टम अंदर प्रेजेंट नहीं है मैं उसको रूट स्टेम लीफ नहीं बोल सकती तो मैं उसको बोल रही हूं रूट लाइक लीफ लाइक एंड स्टेम लाइक फीचर्स ठीक है -like, -like, -like ये स्ट्रेट ये माइ कैन शे लाइक दिस दिस इज एबसलूटली स्ट्रेट और इरेक्ट लुकिंग एट द स्ट्रक्चर इसका लाइफ साइकिल से शुरू करते है मोसिस साइकिल ऑफ मॉसिस रेडी लेट्स गो इसके सेम ब्रांच पे सेम पे एक ही पेड़ में दो अलग ब्रांचेस आते हैं एक मेल ब्रांच एक फीमेल ब्रांच लुक एट द स्ट्रक्चर हियर। ये दिख रहा है आपको इसी के ऊपर ये एक ब्रांच दिखाया हुआ है ना पूरा आपके पास इन द सेम ब्रांच यू फाइंड मेल एज वेल एज फीमेल ब्रांच ठीक अब देखो इस ब्रांच में इसको मैं मैग्नीफाई कर देती हूँ और इसको भी मैं मैग्नीफाई कर देती हूँ ठीक यू हैव अ ब्रांच सेम प्लांट है एक ब्रांच पे मेल होगा एक ब्रांच पे फीमेल होगा इतने अंदर घुसे हुए हो होते हैं फीमेल और मेल स्ट्रक्चर्स कि आपको दिख नहीं रहे होते ये मेल है यहाँ पे और इधर फीमेल है अंदर घुसा हुआ है ठीक है मेल एंड फीमेल अंदर घुसा हुआ है यू कैन नॉट सी तभी ब्रायोफाइटा आर ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ क्रिप्टोगैम्स रिमेंबर क्रिप्टोगैम्स नाउ इफ आई ड्रॉ द स्ट्रक्चर फीमेल वाला आपको याद ही है कैसा होता है बेटा इन्वर्टेड फ्लाश शेप स्ट्रक्चर पीछे था यहां पे नॉर्मल फ्लास शेप स्ट्रक्चर बन जाएगा इनवर्टेड नहीं है सीधा है इन्वर्टेड नहीं है सीधा है सीधे स्ट्रक्चर में यू you नो know कि आपको यहां पे क्या सेल्स मिलेंगे यू फाइंड एनसीसी वीसीसी नेक कैनाल सेल वेंटर कैनाल सेल दोनों की इंप्लॉइडी हैप्लॉइड दोनों की इंप्लॉइडी हैप्लॉइड

तो बॉडी क्या होगी बेटा कमेंट सेक्शन फटाफट डिप्लॉइड की हैप्लॉइड डिप्लॉइड की हैप्लॉइड शाबाश गुड एक्सेलेंट डिप्लॉइड की हैप्लॉइड हां जी बच्चा एक्सीलेंट है ना गेमीटोफेटिक बॉडी इज है

वहां पे राइजोइड्स वर यूनिसेल्यूलर एंड अनब्रांच यहां पे दे आर मल्टी सेल्यूलर एंड ब्रांच्ड इसलिए आपको एनसीआरटी में एक लाइन मिलेगी ब्रायोफाइटा में ये बताती हुई राइजोइडी यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर और मे बी ब्रांच और अनब्रांच ठीक है राइट right. एक्सेलेंट तो यहाँ पे ऊपर मेरे पास आया फीमेल गेम फीमेल सेक्स ऑर्गन नोन एज आर्कीगोनिया आर्कीगोनिया आर्किगोनिया में आया गया फीमेल गेमिट ये स्ट्रक्चर यहां पे आया एंथरीडियम और एंथरीडियम में कौन आता है बेटा एंथर एंथ्रोजॉइड फिर वही आपको थोड़ा सा कोइल्ड और बाई फ्लाजुलेटेड मिलेगा क्योंकि इसको स्विम करना है पानी में तो फ्लाजुलेटेड बनाना पड़ेगा हमको मेल ठीक है आर नथिंग बट मेल गेमीट मेल गेमीट की प्लॉइडी भी हेप्लॉइड ही होगी ठीक एग एंड एंथ्रोजॉइड दे गो फॉर सिन गेमी एंड दैट फॉर्म्स

वही चीज हुई ना कुछ भी अलग नहीं हुआ तो इसका मतलब यहां से पहले पहले सिंह गेमी से पहले पहले जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है सब राइजोइड्स हैप्लोइड लीफ लाइक एनसीसी हैप्लोइड वीसीसी ये जो भी स्ट्रक्चर आपको दिखा ठीक कैसे हुआ होगा फर्टिलाइजेशन वही छपा पानी बाय बाय वॉटर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस विद्प ऑफ वॉटर क्योंकि sexual reproduction के लिए आपको क्या चाहिए वॉटर ताकि उसके थ्रू स्विम कर सके हमारा मेल गेमीट टूवर्ड द के केमिकल केमिकल रिलीज बाय डिसूशन ऑफ एनसी एंड वीसी यहाँ पे जो चिपचिप -चिप वाला म्यूसिलेज म्यूसिलेजनस स्ट्रक्चर बनेगा जो फ्लूड बनेगा उसकी तरफ आपका मेल गे मीट ट्रेवल करेगा ट्रेवल कर रहा है केमिकल की तरफ उठ के चला जाता है दैट इज वाई दीज एंथ्रोजोइ आर कीमो टैक्टिक बेटा टैक्टिक का मतलब होता है लोकोमोशन मूविंग टूवर्ड्स द केमिकल एंड दैट इज वाई दे आर नोन एज कीमो टैक्टिक ठीक है बढ़िया जायकॉट बन गया जायकॉट विल गो फॉर माइटोसिस डिवाइड करेगा एम्ब्रियो बनाएगा दिस एम्ब्रियो इज डिप्लोइ एंड देन दिस एम्ब्रियो इज गोइंग टू फॉर्म स्पोरोट और वो स्पोरोफाइट कहाँ होगा आप इमेजिन करके देखो स्पोरोफाइट के लिए ये मेरे पास नीचे राइजॉइड लगे हुए थे ठीक है इस पे आए मेरे प्यारे प्यारे लीफ लाइक -like स्ट्रक्चर्स मेल ब्रांच फीमेल ब्रांच ठीक है क्योंकि यहीं पर एग्जैक्टली exactly यहीं पे मेल गेम फीमेल गेम ईट प्रेजेंट था आर की गुनिया स्ट्रेट मटके जैसा बैठा है तो है कि भी तो यहीं बैठा है इधर है ना फर्टिलाइजेशन हुई यही एक जायगोट बन गया जायगोट डिवाइड किया फुट अंदर घड़ा हुआ फुट कैप्स्यूल प्लॉइडी फुट सीता कैप्स्यूल कॉमेंट सेक्शन क्विक फुट की कैप्स्यूलॉइडी जल्दी फुट सीटा कैप्सूल की प्लॉयडी शाबाश जल्दी से फुट शीट फुट सीटा कैप्सूल डिप्लॉइड एक्सेलेंट एक्सेलेंट शाबाश हो गया बस आ गया प्लांट किंगडम समझ एक मिनट की बात नहीं रह गई है ठीक अब देखो क्या हुआ था जब ये मेरे पास आर की गोनिया ऐसे मटके जैसा बैठा था ना तो इसके ऊपर एक शीट की कवरिंग थी थोड़ी सी छोटी सी ठीक है एक टोपी लगा के बैठा था ये मेरे पास टोपी भी नहीं आया ठीक है थीके? एक मस्त टोपी लगा के बैठा था सिंधरे ऐसे ठीक अब अंदर जाइगोट था जैसे ही जाइगोट माइटोसिस माइटोसिस किया ये ऐसे 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 आया ना ये छिलका उसके साथ साथ ऊपर आ गया ये गेमिटोफाइट का था दिस गेमिटोफाइट वाज हिडन नीचे टबाक ओके यू कैन नॉट सी द जाइगोट यू कैन नॉट सी द एम्ब्रियो बट यू कैन सी द कवरिंग एंड दिस कवरिंग इज नथिंग बट गेमिटोफाइट तो जैसे जैसे जाइगोट डेवलप होगा एम्ब्रियो में और एम्ब्रियो ये टोपी साथ आ गई टोपी इज कवरिंग ऑफ गेमिटोफाइट गेमिटोफाइट की प्लॉइडी गेमिटोफाइट की प्लॉइडी एक छोटी सी कवरिंग जो थी जो छिलका सा था कैलियप्ट्रा है ओरिजिन है ना इट ऑज ऑफ गेमिटोफिटिक ओरिजिन बढ़िया शाबाश अब देखो अंदर कैप्सूल में कैप्सूल बड़ा मस्त होता है किसका इधर वो कहानी बेसिक वाली तो रहेगी आपकी क्या कैप्सूल क्या? में बहुत सारे सेल्स हैं एंड सम ऑफ द सेल्स दे स्टार्ट एक्टिंग एज स्पोर मदर सेल स्पोर मदर सेल की प्लॉइडी टू एन स्पोर मदर सेल अंडर गोज मियोसिस फॉर्म्स स्पोर्स दी स्पोर्स आर है अब एक स्टेज और एड हो गया कॉम्प्लेक्स होता जाएगा ना लाइसाइकिल छोटा सा स्टेप और एड हो गया कि यह स्पोर सीधा नहीं जर्मिनेट होता है इन टू फॉर्मिंग अ गेमिटोफाइड इसमें एक इंटरमीडिएट स्टेज आती है द स्पोर फॉल्स एंड फॉर्म्स अफ फिल्मेंटस ब्रांच स्ट्रक्चर नोन एस रोटो नीमा प्रोटोनीमा के पॉइंट्स लिखते जाना हैप्लॉइड क्योंकि स्पोर हैप्लॉइड तो ये हैप्लॉइड दूसरा ग्रीन थर्ड फिलामेंटस धागे जैसा फोर्थ ब्रांच फिफ्थ ग्राउंड स्ट्रेट स्ट्रेट जा रहा है ना जब तक सीधा सीधा जा रहा है ठीक है ग्राउंड के साथ ऐसे 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 फैलता जाएगा ठीक है मस्त ऐसे 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 फैलता जा रहा है लेकिन देखो ग्राउंड के साथ था ऐसे ब्रांच दिख रहा है आपको हाथ ब्रांच जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है एकदम से इसको रियलाइज हुआ कि अरे पेड़ बनाता है तो ऊपर द ब्रांच इन स्टेड ऑफ ग्रोइंग विद द ग्राउंड वॉज ऊपर ठीक है तो लेटरल ब्रांचिंग आने लगेगी ऊपर को ब्रांच करने लगेगा ये जो बट जाते हैं दिस इज नोन एज सेकेंडरी प्रोटोनीमा इसको तोड़ तोड़ के लगा दोगे ना तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हेल्प करेगा ठीक है एंड दिस प्रोटोनिमा देन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ लिमिटॉफाइट शाबाश, आए समझ ठीक थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी रह गई है क्योंकि कॉम्प्लेक्स क्या रह गया है थोड़ा सा कैप्सूल के बारे में और बताना है ठीक वही कहानी सेम छपाक पानी एंथ्रोजोइन मूव्स टू आर्किगोनिया के पास आर्किगोनिया के पास पहुंचता है पानी का एक फिल्म बनता है उसके थ्रू स्विम करता है केमिकल की तरफ जाता है कीमोटैक्टिक लीड्स टू फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग एग विल डेवलप इंट टू जयगॉड इंटू एम्ब्रियो एम्ब्रियो इंटू स्पोरोपोरोट में आएगा फूड सीटा कैप्सूल कैप्सूल में आएंगे बहुत सारे स्पोर्स बाय फॉर्मेशन ऑफ बाय द प्रोसेस ऑफ मीओसिस किस में होगा मियोसिस स्पोर मदर सेल स्पोर्स बने स्पोर रिलीज कर दिए जाएंगे जब रिलीज होंगे तो एक ग्राउंड पे जहां पे भी गिरेंगे वहां पे पहले एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनाएंगे नोनज प्रोटोनीमा ये एक एडिशनल स्टेज है कंपेयर टू लिवो वर्थ्स में प्रोटोनिमा नहीं था ठीक है सेकेंडरी प्रोटोनिमा के फ्रैगमेंटेशन से टूटने से नए पेड़ भी आते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी होता है एंड देन दिस पर्टिकुलर प्रोटोनिमा ऑल्सो राइज टू द मेन प्लांट बॉडी दैट इज गेमीटोफिटिक फिर से स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गेमिटोफाइट देख लो ये गेमिटोफिटिक है दिस इज एन एंड दिस पार्ट इज टू एन फूट सीटा कैप्सूल इसका थोड़ा सा अलग सा ठीक है इसका कैप्सूल आपको ऐसा दिखाई देगा बेटा पीछे याद है आपको इलेटर्स थे वो जो एकदम से सुकड़े फटाक कौन निकला स्पोर्स निकले ठीक ऐसे इसमें क्या किया ना कैप्सूल ऐसे है यहां से पकड़ो यहां से पकड़ो पूरा गोला बना दो ये उंगलियां दिख रही है दांत जैसी दीज आर नोन एज पेरिस्टोम टीथ मैं लिख रही हूँ वर्ड ठीक है ये जो छोटे छोटे दांत 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 जैसी चीजें हैं ये ऐसे बंद करी जाती हैं और इसके ऊपर एक ढक्कन लगा देते हैं इसके ऊपर एक ढक्कन लगा देते हैं ठीक है तो जैसे इसको बंद किया ढक्कन लगाया आपने ठीक अभी तक तो ठीक है कहानी अब मान लो ये सिकुड़ जाए तो ऊपर का ढक्कन ढीला पड़ जाएगा आई डोंट हैव एनी ढक्कन योर समझो ठीक है ये ऐसे है एंड ये बंद करा था मैंने इसके ऊपर एक कैप लगाई थी अगर ये नीचे वाले सिकुड़ जाए तो ऊपर वाला कैप लूज हो जाएगा वो कैप गिरेगा और ये रिलीज इज आउट ठीक है तो दीज आर नोन एज पेरिस्टोम टीथ कितने होते हैं ये पेरिस्टोम थी टीथ सोलह की दो रिंग्स होती हैं। सिक्सटीन सिक्सटीन टू रिंग्स आ देर ठीक है पेरी स्टोम पेरीफेरी पे स्टोम इज यूजुअली आपका कॉर्नर्स पेरी स्टोम पेरीफेरल पे ऐसे दांत जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको आप ऐसे बंद करके रखते हो उस पर एक छोटा सा कैप लगाते हैं हम यहाँ पे टू होल्ड इट टुगेदर जो यहाँ पे कैप लगा होगा ऐसा उसे हम बोलते हैं ऑपर क्यूलम ठीक है और उसके ऊपर ये क्यालियप्टा रह जाता है कभी कभी नॉट ऑलवेज बट कभी कभी ठीक है सिक्सटीन इंटू टू राइट मूविंग अहेड अब दोनों इलेटर्स और पेरिस्टोम टीथ देखो इलेटर्स एंड पेरिस्टोम टीथ बोथ ऑफ देम आर वेरी इंटरेस्टिंग व्हाई क्योंकि कोई स्पेशल स्ट्रक्चर बना रहे हो स्पोर को रिलीज कराने के लिए तो ब्रायोफाइटा में हमें ये चीज भी मिलती है कि जो होमोस्पोरस एक जैसे दिखने वाले स्पोर्स जो मेरे पास बनते हैं उनको रिलीज करने के लिए आई आल्सो हैव ह्यूज टाइप और वेरिएशन ऑफ स्पोर डिस्पर्सल जाएगा हवा से स्पोर हवा से जाएगा मेल गेमेट पानी से जाएगा बॉटम लाइन मेल गेमेट मूव्स टुवर्ड्स फीमेल गेमेट वाया वाटर ठीक है तभी वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पानी पे अभी भी डिपेंडेंट है एम्फीबियंस और प्लांट किंगडम बट स्पोर डिस्पोजल इज बाय एयर तो जैसे ये सिकुड़ा ढक्कन ढीला हुआ ढक्कन गिरा खुल गया ये पीछे स्ट्रक्चर देखो ये इसमें देखो दांत-दांत से दिख रहे हैं दीज आर पेरिस्टोम टीथ ठीक है ये छोटा सा आपको ऐसे पॉइंटेड सा स्ट्रक्चर दिख रहा है दिस इज ऑपर क्यूलम ढक्कन और ये देखा ऊपर हल्का सा शीट सा रह गया था क्या लिया क्या प्लॉइडी हाप्लॉइड पेरिस्टोम एवरीथिंग डिप्लॉइड क्योंकि वो स्पोरोफाइट का पार्ट है ठीक बच्चा राइट चलिए दिस इज वेयर वी एंड ब्रायो मूविंग टू टेरिडो वेरी 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 इंपॉर्टेंट टेरिडो फाइटर वेरी इंपॉर्टेंट इसमें भी लाइफ साइकिल पीछे देखोगे अच्छा लाइफ साइकिल भी तो बताना है कहाँ गया हमारा मियोसिस मेरा मियोसिस मियोसिसप्लोइड डिप्लॉइड फेस ठीक है तो मोसिस का भी लाइफ साइकिल कैसा हो गया है ठीक एग्जाम्पल्स मूविंग टू द बैक ये वाला फ्लो चार्ट हमारा बेटा ये रहा फ्यूनेरिया फ्यूनेरिया ऑल्सो नोन एज कॉमन मॉस और ग्रीन मॉस ये एकदम सही है ये मॉसिस मॉसिस को ही मॉस बोलते हैं वरना मॉस हम रैंडमली किसी के लोग भी यूज कर देते हैं ठीक है तो जो आपके जो वो मोस्टिक होती है जिसमें मनी प्लांट वगैरह लगाते हो ज्यादातर उसमें ये होगा स्पैगेम इज ऑल्सो बहुत ज्यादा मस्त इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है पानी अच्छे से स्टोर होल्ड कर सकता है ये तो अगर आप कोई लिविंग प्लांट्स को जैसे मान लो वैलेंटाइन डे पे एकदम से अरे यार मेरे को तो गुलाब देना है पूरी जिंदगी याद नहीं आएगा पेड़ लेकिन वैलेंटाइन डे पे गुलाब दे वो जो एकदम से मार्केट में इतने सारे गुलाब कैसे पहुंचते तुम्हारे पास अब दिल्ली में साइड में कहीं गुलाब की खेती थोड़ी हो रही है तो एट दैट अभी आएगी इतने सारे गेंदे के फूल आएंगे दे हैव टू टू बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस द अदर वेरी क्विकली ऐसा नहीं हो सकता ना कि पिछले महीने का हार्वेस्ट हो गेंदे का फूल का और अभी बेच दे तुमको ऐसा तो नहीं हो सकता तो विद इन अ वीक दे हैव टू ट्रेवल तो जब ऐसा कोई लिविंग चीजों का ट्रांसशिपमेंट होता है तो उसको हम ज्यादातर आ जाएगा बेटा आ गया आ गया आ गया बच्चा आ गया कुछ गड़बड़ कर रहा है नेट लग रहा है ठीक है तो ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग थिंग्स स्पैगन हेल्प कर देगा क्योंकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी काफी अच्छी है एंड पॉलीट्राइकम ऑल्सो नोन एज हेयर कैप मॉस इसकी जो कवरिंग थी ना ऊपर टोपी वो बड़ी हेरी होती चुटे -चुटे 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 है, होता है तो हेयर काढ़ा बनता है इसका से इसको उबालते जाओ जाओ उबालते जाओ दैट डिकॉक्शन हेल्प इन प्रिवेंटिंग किडनी स्टोन मेडिसिनल प्रॉपर्टी थोड़ी सी नुनू से ठीक है इकोनॉमिक वैल्यू इतनी नहीं है जितनी इसकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है इकोलॉजिकल मतलब पूरा जो मैट बनाता है उसकी वजह से सॉइल इरोजन नहीं होता पानी भी गिरेगा तो इन्हीं पे गिरेगा एकदम मैट जैसा एब्जॉर्ब करेगा वो पानी सॉइल इट इज बेटर टू हैव मॉसेस ग्रोइंग ठीक है चलिए मूविंग टू आज मेरे को खत्म करना है टेरिडो तो तुम लोग सुन के जाओगे ठीक है टेरिडो फाइटर टेरिडो फाइटा आर फर्स्ट लिखना शुरू स्पीड में बिल्कुल फर्स्ट first... ट्रैकिर दस्ट वैसक्यूलर प्लांट दैट वी है ठीक है एम तो ये है ही लेकिन दे आर एटोफाइट्स वे डू नॉट है मतलब सीड नहीं है और सेक्स ऑर्गन आर मोस्टली हिडन तो हिडन सेक्स ऑर्गन्स क्रिप्टोगाम्स uh, स्नेक्स और वैस्क्यूलर एम्फिबियंस ऑफ प्लांट किंगडम वैस्क्यूलर एम्फिबियंस ऑफ प्लांट किंगडम पीछे वाला नॉन वैस्क्यूलर एम्फिबियंस ऑफ प्लांट किंगडम या आप इनको बोल सकते हो रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम ठीक है इस पिक्चर को ध्यान रखना रहा पत्ते के नीचे छोटे छोटे टेरिडोफाइटा लाइफ साइकिल समझो सीधा टेरिडोफाइटा का लाइफ साइकिल अपना पेड़ ने डिसाइड कर लिया पानी में था थोड़ा सा ब्रायो को बाहर भेजा बोले देख के यार रह सकते हैं क्या ब्रायो क्या बिंदास फैल गया बोले हाँ यार रह सकते हैं बाहर बहुत मस्त है मौसम ठीक है यहाँ बहुत गीला पानी पानी है बाहर बहुत मस्त लग रहा है ठीक है हवा है धूप है वाह वाह वा। तो ठीक है अब पेड़ फैलाओ फिर लैंड पे पूरे में फैल जाओ टेडोफाइटर ने बोला चलो निकलो पानी से बाहर प्रॉपर पेड़ बनाने प्रॉपर पेड़ बनाने तो साइज लेना पड़ेगा और साइज लेना है तो वैस्कुलर सिस्टम बनाना पड़ेगा वैस्कुलर सिस्टम अपने में ओरिजिनेट किया धीरे धीरे डेवलप किया वैस्कुलर सिस्टम के नाम पे मेरे पास आया जाइलम और फ्लोएम ज़ाइलम कंडक्ट करता है पानी और मिनरल्स फ्लोएम ले जाता है फूड वाटर, फूड ज़ाइलम के नाम पे क्या आया मेरे पास और फ्लोएम के नाम पे क्या आया ज़ाइलम के मेरे पास आए ट्रेकिड्स ट्रेकिड जाइलम के नाम पे आया ट्रेकिड्स ठीक है और फ्लोएम के नाम पे मेरे पास आया इनके बारे में जाइलम क्या है फ्लोएम क्या है कौन क्या करता है इसके बारे में एनाटॉमी में बात करेंगे ठीक है तो यहां पर सिर्फ ये दो शब्द सोच के ट्रेकिड और ये बोल के छोड़ देना है अब आता है मेरे पास टेरिडोफाइटा

ये बड़े बड़े पत्ते बनाए इसने ठीक किसी में बड़े किसी में छोटे पत्ते बड़े पत्ते बनेंगे मैक्रोफिल्स छोटे पत्ते बनेंगे माइक्रो फिल्स ठीक है इस बड़े पत्ते के नीचे की तरफ देखो ये देख रहे छोटे 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 काले काले डॉट्स ये सारे काले काले डॉट्स बनाए गए मैं काले पे काला नहीं बना सकती तो मैं व्हाइट बनाऊंगी समथिंग लाइक दिस ठीक अगर नहीं लिख पा रहे हो मेरी स्पीड से तो सुन लो कहानी की तरह सुन लो समझ लो लिख लेना बाद में कोई टेंशन की बात नहीं है ठीक है सदा सदा के लिए 20 साल बाद भी वापस आओगे कोमल मैम टपक जाएंगे लेकिन कोमल मैम का ये वीडियो यूट्यूब पर रहेगा ठीक है कोई टेंशन की बात नहीं है चीज समझ में आनी चाहिए खोपड़ी में जानी चाहिए दिमाग में आनी चाहिए नोटबुक में है लिखा हुआ किताब में भी है मैं भी लिख के दे दूंगी पिछले नोट में मिल जाएंगे और रेफरेंस बुक तो तुम्हारा प्यार है बचपन का प्यार उसको कैसे छोड़ोगे तुम तो उसको तो जान लगा देंगे हम समझने पे ध्यान दो पत्ते के नीचे की साइड आपने वो जो काले काले स्ट्रक्चर्स देखे दे आर नोन एज सोरस सिंगुलर एस ओ आर आई प्लूरल अब हम एक की बात करें तो सोरस ग्रुप ऑफ स्पोरेंजियम हम्म स्पोरेंजियम हम उस कैविटी को बोलते हैं जिसमें स्पोर होते हैं ठीक है सोरस गुच्छा है ऐसे कैविटीज का ठीक है आपने चार कटोरिया ली दस बीस कटोरिया लेके आपने एक पूरा गुच्छा बनाया सो हर कैविटी इज नोन एज ईच एंड एवरी कैविटी इज नोन एज स्पोरेंजियम एंड अ ग्रुप ऑफ कैविटी हियर इज नोन एज सोरस इसका मतलब स्पोर बनने वाला है अगर स्पोर बनने वाला है तो ये क्या हो गया स्ट्रक्चर बेटा दिस इज स्पोरो में ट्विस्ट और बोला गेडो फाइट जो भाड़ में मैं बनाऊंगा स्पोरो मेन बॉडी इट्स डिड एंड आई लाइक ठीक है विल बी डिप्लॉइड सो स्पोरोट बिकम्स द मेन प्लांट बॉडी दिस इज डॉमिनेंट नाउ देख रहे हो क्या स्विच मार गया टेरिडोफाइटा से ब्रायोफाइटा से टेरिडोफाइटा

वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है डेवलप कर लिया था उसने जाइलम फ्लोएम है ना बॉडी बड़ी है तो उसको कंडक्शन में चाहिए होंगे चीजें इतना सा पेड़ से इतने से पेड़ से आप इतने बड़े पेड़ हो गए हो ठीक तो है इतना पेड़ था इतना बड़ा पेड़ हो गया तो ऑब्वियसली कंडक्शन सिस्टम चाहिए मुझे अब सोरस किस पे प्रेजेंट है इतने सारे स्पुरजे इतनी सारी कैविटी जहां स्पोर बनता है किस पे प्रेजेंट है इस पत्ते पे तो उसको भी कोई नाम दूंगी मैं क्योंकि मेरे जिंदगी में कहा भी नाम देना है चीजों को तो ये पत्ता जिसपे स्पोर आते हैं उसको हम बोलते हैं बेटा समझने पे ध्यान सुन लो कहानी सुन लो लिख लेना आराम से मैं नोट्स भी दूंगी नोट्स में से बाद में कॉपी कर लेना चाहे बट सुन लो प्रॉब्लम को ठीक है सिचुएशन क्या है वो चीज समझो स्पोरोफिल स्पोर कैरी करने वाला पत्ता लीफ दैट कैरी स्पोर स्पोरोफिल स्पोरोफिल फिल के अंदर नीचे छोटा सा एक कैविटी का गुच्छा होता है जिसमें बहुत सारे स्पोरजियम होते हैं। सोरस मेनी हैंजियम एंड स्पोरजियम कैविटी वेर फॉर्म्ड कैविटी वेयर स्पोर्स आर फॉर्मड बार बार बोल रही हूं ताकि दिमाग में बैठे स्पोरजियम इज द कैविटी वेयर स्पोर्स आर फॉर्म्ड विल हैव स्पोर मम्मी सॉरी टू एन तो यहां तक जो दिख रहा है तुमको सब डिप्लॉइड है एवरीथिंग दैट यू सी ऑन द बोर्ड राइट नाउ इज एवरी स्ट्रक्चर दैट यू सी हियर इज ऑब्वियसली मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉइड हो चुकी है ठीक है तो सबसे बड़ा ट्विस्ट तो क्या मारा है इसने द बिगेस्ट टर्न ऑफ इवेंट इज द मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफिटिक आप मुझे ये लिख के बताओगे कि टेरिडोफाइटा ने क्या क्या चेंज किया

स्पोर मदर सेल में बनेंगे हमारे पास क्या स्पोर्स ठीक ये जो स्पोर्स मेरे पास बने दीज आर ऑल हैप्लोइड ठीक ये स्पोर गिरते हैं एक सबस्ट्रेटम पे सरफेस पे हवा से डिस्पोज होंगे गिरेंगे जहां गिरेंगे बेटा वहां पे बनाएंगे आपके लिए एक हार्ट शेप स्ट्रक्चर ठीक है स्पोर्स गिर के जब जर्मिनेट होते हैं तो क्या बनता है अब देखो है है थोड़ा बोले ठीक है? मेरे को नहीं रखा ना तेरे साथ नहीं रह रहा मैं जा पीछे बेचारे का ध्यान रखे हुए थे कौन ध्यान रखा हुआ था कौन ध्यान रखा हुआ था गेमीटोफाइट ने स्पोरोफाइट का ध्यान रखा था नीचे गेमीटो था उसके ऊपर से कैप्सूल आ रहा था इसे ध्यान रखा गेमीटो इट बोला डिप्लॉइड बोला मैं अलग निकल रहा हूँ, बोला जा फिर मैं नहीं रह रहा तेरे साथ अलग तो गेमीटोफाइट, फाइट एज यूजल इज वन हैप्लोइड, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट हार्ट शेप्ड मल्टीसेल्युलर ग्रीन इन कॉन्सपिक्युअस नॉट विजिबल बाय नेकेड आय देख नहीं सकते आप इतना छोटा सा बना हुआ है

है ना फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम ठीक एंथ्रेडियम विल हैव एंथेरोसाइड्स आर्किगोनियम विल हैव एग फीमेल गेमीट मेल गेमिट

सिंपल इज दट ठीक सबसे पहला इवेंट सबसे पहला पॉइंट स्पोरोट इज द नाउ मेन प्लांट बॉडी फिर टेरिडो लेके आया था नहीं अलग रहते हैं इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस है तीनों दोनों का ठीक है नाउ वी कम टू द कहानी ट्विस्ट इन द कहानी इज की गेमिटोफाइट सॉरी ब्रायफाइटर पिछला वाला जो पेड़ हमने पढ़ा वो फ्यूनेरिया और मार्केशिया वाले अंकल वो एक ही तरीके का स्पोर बनाता था, था जिंदगी सुकून में चल रही थी हमारी वी वर वेरी हैप्पी होमोस्पोरस स्पीशीज यार कौन है किसको आग लगी सारे फ्रॉड लोगों को मुझे अभी कॉल करना है ठीक है लुक एट दिस स्पोर होमोस्पोरस ऐसे टेरिडो फाइटर जो कि मोस्टली यही होते हैं मोस्टली मोस्ट ऑफ टेरिडो मोस्ट ऑफ टेरिडो फाइटर होमो मीन सेम सेम दिखने वाले स्पोर्स बन रहे हैं ठीक है तो एक ये बनाए एक बनाए यह बनाए ये गिरा दिए गए जहां गिराए इसने वो हार्ट शेप स्ट्रक्चर बनाया उसमें राइजोइड्स लगाए ठीक है और इसी पे मेल और इसी पे फीमेल आया अगर मेल और फीमेल का सेम घर है मेल एंड फीमेल दे स्टे ऑन द सेम इन द सेम हाउस ठीक है तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं उस स्पीशीज को हम क्या कहते हैं मोनो ईशस वॉट डू वी कॉल इट एज मोनो मोनो मीन्स होम इशियस मीन्स सॉरी मोनो मीन्स वन ईशियस मीन्स होम ठीक है तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं बेटा पिछला मेरा ब्रायोफाइटा में हमेशा ऐसा ही होता था लेकिन वहां हमारा कुछ मोनोइशियस डायस का नहीं था फिर बोल रही हूं ये बात प्लीज ध्यान रखना ब्रायोफाइटा में सारे के सारे होमोस्पोरस पेड़ हैं एक ही तरीके के स्पोर बनाते हैं लेकिन वहां ये कॉन्सेप्ट जो मैं इस बोर्ड पे लिख रही हूं दिस डिजन वर्क फॉर ब्रायोफाइटा दिस वर्क्स फॉर टेरिडोफाइटा ठीक है दिस वर्क्स फॉर टेरिडोफाइटा सारे होमोस्पोरस थे एक ही तरीके के स्पोर बनाते थे ठीक है टेरिडो ने बोला यार इसमें भी थोड़ा सा तो चेंज चाहिए हमको क्योंकि आगे जाके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट करना है आई जस्ट वॉन्ट बिट ऑफ चेंज ठीक तो इसने बोला आप एक काम कर भाई तू बना स्पोरस स्पीशीज विच इज वेरी फ्यू फ्यू ऑफ टेरिडोफाइटा एग्जाम्पल ल्वीनिया एंड सिलाजनेला संजीवनी सिलाजनेला दैट इज योर संजीवनी ठीक है सिलाजनेला और सैलवीन आर टू सच प्लांट्स जो अलग तरीके के स्पोर बनाते हैं ये क्या करते हैं ये बनाते हैं द लाजर वर नोन एज मेगा स्पोर्स या माइक्रो मेगा या माइक्रो मेगा स्पोर्स and they represent female spores whereas these are known as microspores that represent male spores ठीक है मेल अलग गिरा दिया जाएगा फीमेल अलग गिराया जाएगा मेल और फीमेल अलग-अलग गिरेंगे दिस विल फॉर्म फीमेल गेमेटोफाइट दिस विल फॉर्म मेल गेमिटोफाइट क्योंकि ये दोनों अपना अलग अलग घर बना लिया दोनों अपना अपना अलग घर बना लिए सच स्पीशीज इन टेरिडोफाइटा आर नोन एज डायशिज होमोस्पोरस स्पोरोफाइट स्पोरोफाइट एंड दो अलग तरीके के स्पोर्स बना रहे हैं वो आगे जाके दो अलग गे गेमिडोफाइट बनाएगा टेरिडोफाइटा में और जो एक ही तरीके के स्पोर्स बना रहा है वो वाला स्पोरोफाइट आगे जाके एक ही तरीके का गेमिडोफाइट बनाएगा वन गेमिडोफाइट विच विल है सेम बॉडी विल बी नोन एज मोनोश ठीक है एक तरीके के स्पोर बनाना और दो तरीके के स्पोर बनाना ठीक है हाँ, अब आ जाती है बात यहां वापस आ रहे हैं इसको स्ट्रक्चर को देख रहे हो आप, हैप्लॉइड बन रहा है अलग बन रहा है ये जो मैंने पूरी लाइफ साइकिल आपको बोर्ड पे दिखाई बेटा, ध्यान से सुनो द होल लाइफ साइकिल दैट यू सी ऑन द बोर्ड राइट नाउ इज फॉर होमोस्पोरस स्पीशीज हाँ, ठीक है ये पूरी किसके लिए है होमोस्पोरस स्पीशीज के लिए है अगर मान लो ये हेट्रोस्पोरस स्पीशीज के लिए होती येलो से बना दे रही हूं अगर ये कहानी हेट्रोस्पोरस के लिए होती तो क्या होता यहां बनते दो अलग तरीके के स्पोर्स ठीक है यहां बनते मैक्रोस्पोर्स, एज वेल एज माइक्रोस्पोर्स अब माइक्रोस्पोर को तो गिरा के मैं मेल येमिटोफाइट बनवा सकती हूं मेल ट बनवा सकती हूँ ध्यान से सुनना मेरी बात मेल केमीटोफाइट बनवा लिया है ना और उसी को प्रोथालस यही प्रोथालस है ठीक है सिस्टम भी नहीं है इसके अंदर कुछ भी नहीं है इनकॉन्स्पिक्यूअस तो दिखेगा भी नहीं स्पोर थे ये फीमेल स्पोर थे इसने कैविटी में बनाया मेल और फीमेल स्पोर ठीक है मेल बोले जा फीमेल रख लिया बोला बेटा तुम यहाँ ही रहो कहीं जाने की जरूरत नहीं है ठीक है तो फीमेल स्पोर आर रिटेन स्पोर को मैंने यही रिटेन कर दिया इसी सोरस के अंदर बोला तुम कहीं नहीं जा रहे हो बेटा मेल स्पोर जा मेल्स जो करना कर फीमेल्स पोर रिटेन बैकवे इन द सोरस इन द मेल गेमेटोफाइट कहीं और बनेगा मान लो ऊपर वाली ब्रांच ऊपर एक पेड़ है ऊपर वाले पेड़ के टहनी पे बन गया वहां गिरा था वहां छोटा सा हार्ट शेप स्ट्रक्चर बन गया मेल गेमी फाइट फीमेल गेमीटोफाइट इज गोइंग टू स्टे हियर ऑन द मेन बॉडी यहीं पे बना कौन फीमेल अगर फीमेल अगर स्पोरोनाट यहां बना है सुनो मेरी बात अगर फीमेल गेमिटोफाइट यहां बना है इसका मतलब आर्किगोनियम यहां होगा है ना इसका मतलब एग भी यही है तो जो ऊपर वाली डंडी पे मेल गेमिटोफाइट बना था छपाक पानी छपाक पानी क्योंकि पानी तो चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए अभी भी मेरे को सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के लिए डिपेंडेंट ऑन छपाक से पानी गिरता है उस पानी की बूंद के साथ मेल के मीट्स नीचे आते हैं और इसके पत्ते पे गिरते हैं इसके पत्ते के ऊपर जो हल्का सा पानी का लेयर बना उसके थ्रू स्विम करते हैं दैट मीन एंथ्रोजॉइड आर अगेन शोइंग मूवमेंट अगेन शोइंग कीमो टैक्टिक मूवमेंट दोबारा से रिपीट फीमेल hmm. और मेल दोनों बनाइए हेट्रोस्पोरस की बात हो रही है होमोस्पोरस तो नॉर्मल था जो पहले बनाया था होमोस्पोरस वॉज नॉर्मल हेट्रोस्पोरस नाउ फॉर्म्स वॉट हेट्रोस्पोरस फॉर्म्स टू टाइप ऑफ स्पोर्स मेल एंड फीमेल स्पोर्स मेल स्पोर्स गो वेर एवर यू वॉन्ट टू फीमेल स्पोर्स रिटेन ऑन द मेन स्पोरो बॉडी इसी पे मैंने रोक लिया जब फीमेल गेमिडोफाइट यहाँ बनेगा तो इसका मतलब फीमेल सेक्स ऑर्गन में यही बनेगा यही है यही है तो एग यही है ऊपर वाली डंडी पे या कहीं साइड में इधर उधर थोड़ा आसपास कहीं पर मेल गेमिडोफाइट जो बना था उस पर छपाक पानी का बूंद उसके साथ उसके पानी के छीटो के साथ उड़ता हुआ मेरे पास आया उड़ता हुआ मतलब पानी के छीटे पानी के ड्रॉपलेट्स में मेल गेमीट इस पत्ते के ऊपर फैलता है पानी उस पानी की छोटी सी फिल्म हल्का सा पानी का लेयर चाहिए बस स्विम करता है मेल गोफाइट एंथ्रोजॉइड एंथ्रोजॉइड मूव टूवर्ड्स द केमिकल द प्रोसेस इज नोन एज की टैक्टिक का लोकोमोशन केमिकल की तरफ लोकोमोशन शो करता हुआ इस पॉइंट पे जाएगा एग यही है फर्टिलाइजेशन यही होगा जाइगॉट इस पत्ते पे बनेगा मेन प्लांट बॉडी पे जागॉट बना रहे हो यू आर रिटेनिंग द फ्यूचर जेनरेशन ऑन द प्रीवियस जेनरेशन जेनरेशन होता है नेक्स्ट जनरेशन है वो उस नेक्स्ट जनरेशन को पिछले जनरेशन पे ही होल्ड कर लिया मैंने रिटेंशन ऑफ द नेक्स्ट जेनरेशन स्पोरोफाइट ऑन द प्रीवियस जनरेशन स्पोरोफाइट इज अ प्रसर टू सीड हैबिट टू सीड हैबिट मतलब फीमेल को रिटेन करना वहां पर ही जायॉड अपने ऊपर बनवाना ठीक है सीड हैबिट सीड बनने से बस एक स्टेप दूर है हम एक स्टेप दूर है हम हेट्रोस्पोरस स्पीशीज ही शो करेंगे ये होमोस्पोरस स्पीशीज ये चीज सोशो नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसने तो एक ही टाइप के स्पोर बनाए थे बेटा उसने तो एक ही टाइप का स्पोर बनाया था और वो गिरा दिया था हेट्रोस्पोर बनाने की जरूरत इसीलिए है क्योंकि मेल को जाने तो जहां जाता है लेकिन फीमेल को रिटेन करना जरूरी है वी हैव टू अलाउ फीमेल्स ग्रोथ ऑन द मेन स्पोरोफाइट क्यों क्योंकि मुझे अब इस जाइगोट को जो कि अगले जनरेशन जो हमारा छोटा बच्चा बेबी है उसको हमें नरिशमेंट प्रोवाइड करना है और वो मेन प्लांट बॉडी करेगी ये मेन प्लांट बॉडी अब यहाँ पे बैठे जाइगोट को एम्ब्रियो को डेवलपमेंट में हेल्प करेगी नरिशमेंट देगी और जब वो एक स्टेज पे आ जाएगा तो उस जाइगोट को अलग गिरा दिया जाएगा एम्ब्रियो को सॉरी एम्ब्रियो को अलग गिरा दिया जाएगा एंड वेन वेर एवर इट फॉल्स इट विल फॉर्म अ न्यू प्लांट ठीक ये सीड नहीं बना प्रिकर्स टू सीड हैबिट का मतलब सीड बनने से बस एक स्टेप दूर और वो एक स्टेप ये है कि सीड का एक आउटर हार्ड कवरिंग होती है सीड की एक आउटर हार्ड कवरिंग होती है उस कवरिंग को बनाने में रह गया है थोड़ा सा कमी बस वो बस हम उतना नहीं बना पाए वो जिमना बना लेगा वो जिम्नो बना लेगा मैंने इतना कर दिया कि हमेशा एक टाइप का स्पोर बनता था ब्रायो में मैं टेरिडो हूं और मैंने इतना कर दिया कि मैंने दो अलग तरीके के स्पोर बना दिए फीमेल को रिटेन कर दिया मेल को हटाओ फीमेल हैज टू तो बी रिटेन बिकॉज नरिशमेंट जयगॉट को यही देना है एग विल बी डेवलप्ड इन टू जयगॉट को डेवलपमेंट यहां मिलेगा उसको नरिशमेंट यहां मिलेगा सारा प्रोटेक्शन यहीं पर दिया जाएगा बस एक काम रह गया प्रिकर्सर इसलिए रह गया ये प्रिकर्सर मतलब सीड से एक स्टेप पीछे हम बस जस्ट बिकॉज आई डोट हैव आई डोंगूमेंट्स और कवरिंग ऑफ द सीड दैट्स इट बाकी सब एकदम बढ़िया धांसु जनरभ ठीक है अब आगे की कहानी एग्जाम्पल्स एन एवरीथिंग कल इस पर्टिकुलर लाइफ साइकिल के रिकॉप के साथ इसके रिकैप के साथ आई विल बी टेकिंग टेडो फाइटा में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो याद रखने हैं एंड जिम्नोसपॉर्म्स का लाइफ साइकिल इन डिटेल्स तो डू नॉट मिस टू क्लास बिकॉज आई विल बी टेकिंग जिम्नो टेरिडो और जिम्नो ही है जो यहाँ पे प्रॉब्लम करते हैं बाकी सारा आसान है चैप्टर में कुछ नहीं है ठीक है तो दिस इज वेयर आई एम गोइंग टू एंड द चैप्टर ये कुछ चीज़ें हैं बट आई विल बी टेकिंग देम इन डिटेल्स इन द नेक्स्ट क्लास ऑल्सो ठीक है फॉर मोर लाइव सेशन एंड डाउट डिस्कशंस इंटरक्टिव सेशंस पोल्स क्विज इन सब के लिए आप लोग मेरे को प्लस पे ज्वाइन कर सकते हो ठीक है द कोड रिन्स सेम बेटा द कोड इज कोमिन लाइफ K O M L L I V E live. If you like my teaching, you have to फटाफट fatta do what? Like, share, subscribe. Komal live is the code again. Iconic subscriptions me. आपको मेरे अलावा एक mentor और मिल जाएंगे जो आपके doubt clearing में help करेंगे neat mentorship में help करेंगे time tables वगैरह बनाने में help कर देंगे and it is more of one on one interaction. तो अगर आपको ज़्यादा problem हो रही है to understand things, you can go for iconic subscriptions. Also ये नोट्स भी मिल जाते हैं इसमें बट नोट्स आर वैलिड फॉर ओनली स्टूडेंट्स हु हैव सब्सक्रिप्शन मोर देन टेल्व मंथ्स तो अगर नोट्स चाहिए है ना के तो आप बारह महीने से ऊपर के सब्सक्रिप्शन को ले लेना ठीक है और बहुत सारे बैचेस आ रहे हैं मेधावी बैच ऑन प्लस इज ऑल्सो गोइंग ऑन प्लांट फिजियोलॉजी उसमें जल्दी ही शुरू होगा तो मेक श्योर दैट यू हैव एनरोल फॉर इट एंड दिस कॉम्बो ऑफर इज ऑल्सो गोइंग ऑन सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकते हो तो स्कॉलरशिप के लिए बिल्कुल एनरोल कर देना हर संडे को होती है इलेवन ए एम ठीक है कोमल लाइव इज योर कोड यूज द कोड एंड थैंक यू सो मच लाइक शेयर सब्सक्राइब मैम आकांक्षा मैम की क्लास है तो दो मिनट का टाइम है फटाफट से मुंह धो के आओ खा लो साइड बाई साइड एंड ज्वाइन हर फॉर केमिस्ट्री एंड देन सी मैम फॉर जूलॉजी ठीक है बढ़िया टीम का साथ नहीं छोड़ोगे हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे पहली क्लास से तीसरी क्लास में आते आते आधी हो गई जनता और बोलते हैं हमारा नीट नहीं क्लियर होता मैम हो ऐसे होगा वे नहीं तीन क्लास का कमिटमेंट तो है नहीं एक चैप्टर का कमिटमेंट नहीं है कैसे होगा काम बट आई एम हैप्पी कि जो बच्चे रेगुलर हैं प्लीज स्टे रेगुलर बिकॉज दैट इज गोइंग टू टेक यू अ अंडरस्टैंड इट बहुत मदद होती है जब आप किसी भी कोर्स या किसी भी टीचर के साथ 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 चलते हो इट विल हेल्प यू एंड गाइड यू फॉरवर्ड आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प टू ऑल द बच्चा हु वॉन्ट्स टू स्टडी दज डोंट वॉन्ट टू स्टडी ही 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 बाय ठीक है टेक केयर स्टे हैप्पी स्टे हाइड्रेटेड स्टे सेफ नौ बजे आज स्पेशल क्लास है फ्री क्लास है कम्युनिटी पोस्ट में मैं लिंक डलवा दूंगी टेलीग्राम पे भी मैं लिंक भेज दूंगी मेक श्योर टू ज्वाइन दैट क्लास इट इज समथिंग दैट विल टेल यू हाउ आई टीच ऑन प्लस सो शायद आपको मदद हो जाए एंड देन यू डिसाइड एंड ऑन ज्वाइनिंग ऑन प्लस ठीक है लेस डिस्टर्बेंस मोर ऑफ अ क्लास सिचुएशन ठीक चलो थैंक यू सो मच आई विल सी यू इन द इवनिंग टेक केयर बाय बाय